आपने काला जादू और वशीकरण के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस ने महिलाओं की एक ऐसी गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसने वशीकरण और काला जादू से लोगों की चीजें छूमंतर कर दी। पुलिस इन महिलाओं के कारनामों से लंबे वक्त से परेशान थी। पकड़ी गई महिलाओं ने बताया कि वो लोगों का दुख दर्द कम करने के नाम पर उन्हें वश में कर चीजें लेकर फरार हो जाती थी। गौरतलब है कि ये पूरा मामला जिले के कलवारी थाना क्षेत्र गाय घाट का है। यहाँ पर पुलिस ने घुमंतु जाति से ताल्लुक रखने वाली 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोगों को अपने जाल में फंसा कर ठगी को अंजाम देती थी। ज्यादातर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती थी, उनका दुख दर्द दूर करने का भरोसा दिलाती थी। इसके बाद हाथ की उंगली दबाकर वश में कर लेती थी और कीमती जेवरात लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। महिलाओं का शिकार हुई सूर्यनगर की रहने वाली राधिका ने बताया कि वो खेत में बकरी चराने गई थी। उसी दौरान भीख मांगने के बहाने घुमंतु जाति की 6 महिलाएं पहुंची। उन्होंने कहा कि तुम घर से जेवर लेकर आओ, हम झाड़ फूंक करके देंगे और तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। राधिका ने बताया कि इस दौरान उन औरतों ने उनका हाथ पकड़ा और बीच की उंगली दबाई। इसके बाद वो उनके वश में हो गई और सीधे घर पहुंची। वहां से बैग में रखे जेवर निकाल कर चली गई। हालांकि इस दौरान घर वाले उसके पीछे आ गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने ठगी करने वाली महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी विनय चौहान ने बताया कि कुछ घुमंतु जाति की महिलाएं लोगों को बहला फुसला कर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देती थी। 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी संत कबीर नगर की रहने वाली हैं और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 24 तारीख को थाना अंतर्गत कलवारी में गायघाट कस्बे में एक टप्पेबाजी घटना कार्य की गई थी, जिसमें घुमंतु जाति की महिलाएं हैं जो भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके वो उनसे जो उनका पैसा है और उनका जो जेवर वेवर इस तरीके की चीज़ें जो उनसे ले लेते हैं। इस तरह की घटना पर जो है कलवारी थाना में उनका अभियुक्त पंजीकरण किया गया एवं 6 अभियुक्त जितनी महिलाएँ हैं जो संत कबीर नगर की रहने वाली हैं गया। फिलहाल पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए बस्ती से संवाददाता पारसनाथ मौर्य की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।